नमस्कार, मैं हूं आशु और आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर भी। भदोही डीग विकास खंड के गोदना महुआरी गांव में बरसात का पानी खेतों में जगलमन के बाद अब मजुआरी गांव में सभा के मंगलपुर के लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। लोगों का कहना है कि पानी घुसने के साथ साथ घरों में जहरीले जीव जंतु का प्रवेश होना स्वाभाविक है। महुआरी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शशि चंद्र मिश्र जेसीबी से खुदाई कर अपने पानी निकासी में व्यवस्था में लग गए हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का कहना है कि कई बार जिले के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पानी की निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं कराई गई है। ये पूछे जाने पर कि किसकी कमियां नजर आ रही हैं, तो ग्रामीणों का कहना है कि NAHI की मनमानी से जगलमन हुआ है। बताते चलें कि विगत 2-3 वर्षों से यह जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है। फिलहाल ग्राम प्रधान ने JCB लगाकर पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की है और उनके प्रयास को सफलता भी मिली है। स्थानीय निवासी डॉक्टर जनार्दन प्रसाद पांडे, रामबाबू, मनोज मिश्रा, सुनील मिश्रा आदि लोग पानी की निकासी में लगे हुए हैं। जो काम NHAI को कराना चाहिए वो प्रधान प्रतिनिधि महुआरी को होकर आप करा रहे हैं, कि आप क्या कहना चाहते हैं? गाँव वालों ने एक महीने पहले से DM साहब को एक पत्र लिखा था कि ये पूरा क्षेत्र है, बरसात होगी तो बूढ़ जाएगा पूरा कस्बा। विगत वर्ष की बात, इस पर भी शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और पूरा मंगलपुर गांव, पूरा महुआरी का आधा और लगभग 150 बीघे जमीन, पूरा क्षेत्र एकदम पूरा लबालब भर गया है। नहरा खुला है और नहरे से भी पानी आ रहा है, पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है। NHAI वाले आए थे, कहें जब हमको बुलाइएगा, तहसीलदार के सामने उन्होंने कमिटमेंट किया था, लेकिन गांव बुल रहा है, खेत बुल रहा है, उनका कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। आज मजबूरी में अपने स्तर से इसको खुदवाना पड़ रहा है, जिसमें सड़क भी टूट रहा है, टूट के पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि गाँव के लोग आबाद राजित रहें। प्रधान प्रतिनिधि महुआरी को होने के नाते आप किसकी कमियां मानते हैं? इसमें सारी कमी NHAI की है और प्रशासन की कमी यह है कि आज तक NHAI को कठोर निर्देश नहीं दे पाया कि जो जगह जगह नाला बंद हो गया है उसका कोई सुचारू रूप से व्यवस्था कर सके। नहीं, ये तो समस्या भविष्य में भी बनी रहेगी। जी, धन्यवाद।